तो वेलकम गाइस, हम लोग पढ़ रहे हैं प्लस टू एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या देखा था कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस है, ठीक, एंड देन उसके बाद में हमने जो स्पर्म है उसके स्ट्रक्चर को समझा, ठीक। स्पर्मेटोजेनेसिस हम लोग कवर कर चुके हैं, गैमेटोजेनेसिस हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें से जो मेल गैमेट है स्पर्मेटोजेनेसिस उसको हम लोग समझ चुके हैं, ठीक, और स्पर्म की जो स्ट्रक्चर है हम लोग उसे भी समझ चुके हैं। आइए कुछ एक बातें जो स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर रह गई थी, ठीक, स्पर्म के अंदर, उसको पहले देखते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं गैमेटोजेनेसिस के अंदर जो नेक्स्ट गैमेट है फीमेल गैमेट ओजेनेसिस उसको हम लोग देखते हैं। तो जब कोइटस होता है ड्यूरिंग सेक्स, ठीक, कोइटस ड्यूरिंग कोइटस जो मेल होता है, ठीक, ड्यूरिंग कोइटस जो मेल होता है वो सीमन रिलीज करता है, सीमन को इजेकुलेट करता है, ठीक, और उसमें क्या होते हैं 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं, ठीक, 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं, क्लियर। अब नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए, नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए क्या चाहिए होता है कि ये जो स्पर्म्स हैं इनमें से जो 60% स्पर्म्स हैं वो क्या हों, नॉर्मल शेप साइज के हों, वो नॉर्मल शेप साइज के हों, क्लियर, नॉर्मल शेप साइज के हों, और एटलीस्ट 40% जो स्पर्म हैं, ठीक, वो क्या हो, वो काफी ज्यादा मोटिलिटी को शो करना चाहिए उन्हें, ठीक है, वो क्या हो, विग्रस विग्रस मोटाइल हो, ठीक, विग्रस मोटाइल हो, मतलब उन्हें काफी ज्यादा तेज होना चाहिए, क्योंकि जो मेल गैमेट्स होते हैं इन्हें स्विम करके पहुंचना पड़ता है फीमेल गैमेट तक, ठीक, और अगर मान लीजिए ये मोटाइल ही नहीं है, ठीक, अच्छी तरह से जो तेजी से मोटाइल नहीं है, ठीक है, तेज नहीं है, तो ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है उसको अंजाम नहीं दे सकते हैं। तो मतलब जो फर्टिलिटी है, नॉर्मल फर्टिलिटी है, उसके लिए क्या है, हमें 60% जो स्पर्म्स हैं वो नॉर्मल शेप साइज के चाहिए, ठीक, क्योंकि सारे के सारे जो स्पर्म्स हैं वो नॉर्मल शेप साइज के नहीं होते, कईयों में टेल नहीं होती, कईयों में एक्रोसोम नहीं होता, और भी बहुत सारी जो एबनॉर्मलिटी है हमें देखने को मिलती है, क्लियर, और उनमें से जो 40% स्पर्म्स हैं वो विगरस मोटाइल होने चाहिए, ठीक। तो ये प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस की, क्लियर, और जिसके अंदर ये जो परसेंटेज है वो हमें नहीं देखने को मिलता, मतलब जो 40% स्पर्म्स हैं वो विग्रस मोटाइल नहीं है, ठीक, तो उनके अंदर इन जनरल हमें इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, क्लियर। ऐसे कपल जिसके अंदर जो मेल मेल इंडिविजुअल होता है उसका जो सीमन होता है उसमें जो स्पर्म्स होते हैं, ठीक, वो क्या होते हैं कि नॉर्मल शेप साइज के नहीं होते हैं, ठीक है, बहुत कम नॉर्मल शेप साइज के होते हैं, 60% से कम होते हैं, और या फिर 40% से कम जिनके अंदर विग्रस मोटिलिटी होती है स्पर्म्स के अंदर वो इनफर्टाइल होते हैं, इन जनरल ऐसा देखा जाता है, क्लियर। तो आइए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ओजेनेसिस के बारे में, ठीक, हम लोग पढ़ते हैं ओजेनेसिस को। स्पर्मेटोजेनेसिस जो है हमारा कंप्लीट होता है, ठीक, अब बात करते हैं हम लोग ओजेनेसिस के बारे में। ओजेनेसिस ध्यान से बात सुनिए, जो स्पर्मेटोजेनेसिस है इसकी शुरुआत कब होती है, ठीक, स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है इसका इनिशिएशन कब होता है, प्यूबर्टी में, ठीक, जब प्यूबर्टी की एज आती है मेल्स में तब स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाती है, ठीक, और लाइफ टाइम तक चलती है, ठीक, लाइफ लॉन्ग चलती है, क्लियर, लाइफ टाइम तक चलती है, लेकिन जो ओजेनेसिस की प्रोसेस है ये प्यूबर्टी एज में शुरू नहीं होती, ध्यान से बात सुनिए, ओजेनेसिस की जो प्रोसेस है ये क्या है कि एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही शुरू हो जाती है, ठीक, ओजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो जब फीमेल चाइल्ड एम्ब्रियो होता है, ठीक, तभी वो शुरू हो जाती है, एम्ब्रियोनिक जो फेज है लाइफ का वहीं पर शुरू हो जाती है, कौन से प्रोसेस, ओजेनेसिस की, ठीक। अब होती कहाँ पर है हमें पता है, कहाँ पर होगी ये, ओवरी में होगी, ठीक, गोनाड्स में होगी, क्लियर। अब ध्यान से बात सुनिए, जो स्पर्मेटोजेनेसिस है उसके अंदर हमने देखा था कि जो मियोटिक डिविजन्स होते हैं वो लगातार एक के बाद एक होते हैं, ठीक है, स्मूथली होते हैं मतलब, लेकिन ओजेनेसिस की प्रोसेस जो है इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि जो मियोटिक डिविजन्स हैं वो इंटरप्टेड वे में होंगे, वो क्या होंगे, इंटरप्टेड वे में होंगे, ठीक, मतलब लगातार नहीं होंगे, जब हम लोग प्रोसेस देखेंगे तब हम लोग समझेंगे इसको, ठीक। और होता क्या है कि जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स होती हैं, ध्यान से बात सुनिए, जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स होती हैं, ठीक, जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर वो क्या करती हैं, स्पर्मेटोगोनिया को बनाती हैं, उसी टाइप से ओजेनेसिस में वो क्या करती हैं, ऊगोनिया को बनाती हैं, क्या बनाती हैं, ऊगोनिया को बनाती हैं, ठीक, ऊगोनिया को बनाती हैं,
अब जो ऊजेनेसिस की प्रोसेस है वो हम लोग ऊगोनिया से शुरू करेंगे और ओवम तक जाकर वो जो प्रोसेस है वो खत्म होगी। क्लियर? तो आइए बात शुरू करते हैं ऊजेनेसिस के बारे में। ठीक, तो ऊजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो कहाँ से शुरू होगी? वो ऊगोनिया से शुरू होगी। ठीक, तो ये मान लीजिए ये हमने क्या बनाया है, ये ऊगोनिया है, ये क्या है, एक 2N सेल है। ऊगोनिया जो होता है वो 2N होता है, ठीक, डिप्लॉइड होता है, मतलब ये क्या है, ऊगोनिया है, ओवम मदर सेल जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ऊगोनिया है। ठीक, डिप्लॉइड सेल है। क्लियर? मतलब क्रोमोसोम का जो नंबर है वो क्या होगा, इसमें 46 होगा, उसमें से 44 ऑटोसोम्स होंगे और एक्स एक्स जो सेक्स क्रोमोसोम है वो होंगे यहाँ पर। ठीक, अब देखिए जो ऊगोनिया है, ठीक, अब ये क्या करेगी, मल्टीप्लाई करेगी, अपने नंबर को बढ़ाएगी। क्लियर? और नंबर को जब ये बढ़ाएगी तो सिंपल सी बात है ये क्या कर रही है, मल्टीप्लाई कर रही है। और जब मल्टीप्लाई कर रही है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं इस फेज को, ये जो फेज है नंबर बढ़ाने का, इस फेज को हमने स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर क्या बोला था, मल्टीप्लीकेशन फेज। तो यहां पर भी हम लोग इसे क्या बोलेंगे, मल्टीप्लीकेशन फेज बोलेंगे। क्लियर? ये जो फेज है नंबर बढ़ाने वाला, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लीकेशन फेज। ठीक, मल्टीप्लीकेशन फेज। क्लियर? ये अभी तक हम लोग एम्ब्रियो की ही बात कर रहे हैं। ठीक, क्योंकि एम्ब्रियोनिक कंडीशन में क्या है, ऊजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाती है। क्लियर? अब देखिए तो इससे होता क्या है कि जो ऊगोनिया वो बहुत ज्यादा नंबर में बन जाती है। ठीक, ऊगोनिया जो है वो बहुत ज्यादा नंबर में बन जाती है। क्लियर? समझ आई बात आपको, क्या होता है कि ऊगोनिया जो है काफी ज्यादा नंबर में बन जाती है। ठीक, अब होता क्या है इन ऊगोनिया में कि ये जो ऊगोनिया है इसकी क्या करता है नेचर में कि इनकी मार्किंग करके रख देती है बॉडी। बॉडी क्या करती है कि इनकी मार्किंग करके रख देती है कि इन सेल्स ने क्या करना, आगे जाके ओवम बनाना है। तो वो मार्किंग कैसे होगी, एक काम करते हैं कि बॉडी ने सोचा कि इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो मियोटिक डिवीजन है, ठीक, जो मियोटिक डिवीजन है वो शुरू करके बंद कर देते हैं। ठीक, क्या करते हैं, मियोटिक डिवीजन को हम लोग शुरू कर देते हैं लेकिन कंप्लीट नहीं होने देते, उसको बंद कर देते हैं। तो क्या होता है कि जो उगोनिया है, जो उगोनिया है ये क्या करती है, पहले अपने साइज में बढ़ाती है, साइज को बढ़ाती है। क्लियर? अब साइज को बढ़ाएगी, क्या करेगी, साइज को बढ़ाएगी। क्लियर? अब साइज को बढ़ाने के बाद में ये क्या बन जाती है, जो उगोनिया है, ये सारे के सारे जो प्रोसेस है सब में होगी। ठीक, हम लोग क्या करें, सिर्फ एक उगोनिया को लेकर आगे चल रहे हैं, सब में ये प्रोसेस होगी। क्लियर? तो ग्रोथ फेज, ये कौन सा फेज हो गया, ग्रोथ फेज। यहां पर क्या है कि जो ग्रोथ फेज है वो हमने देखा। क्लियर? और यहाँ पर क्या होगी कि जो ऊगोनिया है इनकी मार्किंग करके रखी जाएगी। ठीक, अब मार्किंग कैसे करेंगे कि यहाँ पर जो मियोटिक डिवीजन फर्स्ट है ना उसको शुरू करके बंद कर देंगे। ठीक, अब क्या है कि मियोटिक डिवीजन में जो सबसे लंबी फेज होती है उसको क्या करेंगे, इनिशिएट कर देंगे और उसको फिर बंद कर देंगे। ठीक, हम बात करेंगे इस बारे में। तो ये क्या बना है, ये जो ग्रोथ फेज के बाद में बना है ये क्या बना है, ये बना है प्राइमरी ऊसाइट। क्या बना है, प्राइमरी ऊसाइट बना है। क्लियर? समझ आई बात आपको। और प्राइमरी ऊसाइट बनाने के लिए होता क्या है, पहली बात तो इसमें ग्रोथ होती है। नेक्स्ट जो चीज होती है वो क्या होती है कि बॉडी क्या करती है, इसमें मियोटिक फर्स्ट डिवीजन जो है वो सबसे लंबा होता है। जब हम लोग मियोसिस को पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि मियोटिक डिवीजन जो फर्स्ट है वो लंबा होता है। और मियोटिक फर्स्ट में भी कौन सी फेज लंबी होती है, प्रोफेज। ठीक है, और प्रोफेज में भी देखा जाए तो जो डिप्लोटीन स्टेज है वो सबसे लंबी होती है, जिसको डिक्टियोटीन भी बोलते हैं। तो यहां पर क्या होता है कि जो प्रोसेस है मियोटिक फर्स्ट डिवीजन की, जो प्रोफेज है, ठीक, उसको शुरू कर देते हैं और डिप्लोटीन तक आकर वो स्टेज इसको रोक दिया जाता है। ठीक, तो मतलब यहां पर क्या होता है कि मियोटिक फर्स्ट डिवीजन शुरू किया जाता है और जो प्राइमरी ऊसाइट है इसमें फिर क्या किया जाता है, जो प्रोसेस है मियोटिक फर्स्ट जो डिवीजन है उसको रोक दिया जाता है। कब रुक जाएगा वो डिवीजन, जब डिप्लोटीन स्टेज आएगी तब तक वो स्टेज को रोक दिया जाता है। ठीक, उसके बाद में मियोटिक डिवीजन आगे कैरी नहीं होता है। तो मतलब क्या है कि प्राइमरी ऊसाइट भी क्या है, ये भी 2N रहेगा। क्लियर? अब ध्यान से बात होने, इस प्रोसेस को अभी तक हम लोग क्या करते हैं, यहीं तक रोकते हैं, इसके बाद में हम लोग प्राइमरी ऊसाइट को समझना शुरू करते हैं। देखिए जो प्राइमरी ऊसाइट है, जो प्राइमरी ऊसाइट है, ठीक, जो प्राइमरी ऊसाइट है इसके चारों तरफ क्या होता है कि जो ग्रैनुलोसा सेल्स होती हैं वो अपने आप को अरेंज करती हैं। ठीक, क्या होता है कि ग्रैनुलोसा सेल्स जो हैं ओवरी में प्रेजेंट होती हैं वो क्या करती हैं, अपने आप को अरेंज करती हैं प्राइमरी ऊसाइट के चारों तरफ। ठीक, और एक लेयर बना लेती हैं। ठीक, लेयर बना लेती हैं, ये अंदर क्या है इसके, ये प्राइमरी ऊसाइट है, ये क्या है, ये प्राइमरी ऊसाइट है। ठीक, प्राइमरी
ओसाइट है, क्लियर। और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है इसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल, क्या बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल, ठीक। ये है प्राइमरी फॉलिकल। एक बात और आप ध्यान से बात सुने कि जो ऊगोनिया है ये एम्ब्रियो में ही बन जाती सारी की सारी जितनी बननी होती है, क्लियर। और बर्थ के बाद में कोई भी ऊगोनिया नहीं बनती है, ये बात ध्यान रखें। जो ऊगोनिया है ये बर्थ से पहले पहले बन जाती जितनी बननी होती है, ठीक। और क्या होता है कि बर्थ के बाद में कोई नई ऊगोनिया नहीं बनती है, ठीक। और ऊगोनिया जो है इनमें क्या किया जाता है कि मियोटिक फर्स्ट डिवीजन को शुरू करके रोक दिया जाता है, ठीक। शुरू कर देंगे और क्या होगा, प्रोफेज फर्स्ट सबसे पहले शुरू होगी, उसके अंदर क्या होगा, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन और डिप्लोटीन। डिप्लोटीन स्टेज में क्या किया जाता है, इसको रोक दिया जाता लाकर, ठीक। और मतलब इसका जो नंबर है वो रिड्यूस नहीं हुआ अभी तक, ठीक है। तो ये जो प्राइमरी फॉलिकल है ध्यान से बात सुने, लाखों की संख्या में होते हैं। जब एम्ब्रियोनिक कंडीशन होती है तब क्या होता है कि लाखों की संख्या में ये क्या होते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं, लगभग 2 लाख तक होते हैं, ठीक। 2 लाख इन ईच ओवरी क्या होते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं, ठीक। लेकिन इनका जो नंबर है बाद में घटता रहता है, ठीक। इनका जो नंबर है बाद में ये क्या करने लग जाते हैं, जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं ये डी जनरेट करने लग जाते हैं, ये क्या होते हैं, डी जनरेट करने लग जाते हैं, क्लियर। और इनका नंबर जो है प्यूबर्टी तक आते आते, बर्थ के बाद में प्यूबर्टी तक आते आते जो इनका नंबर है हर एक ओवरी में वो कितना रह जाता है, वो रह जाता है सिर्फ 60,000 to 80,000 इन ईच ओवरी, ठीक। प्राइमरी फॉलिकल्स जो है इनका जो नंबर है प्यूबर्टी तक आते आते कितना रह जाता है, जो कि पहले कितना था 2 लाख था, ठीक, वो कितना रह जाता है, लगभग 60,000 से 80,000 तक रह जाता है, क्लियर। ये क्या है, क्या होता है कि जब प्यूबर्टी की एज आती है, जब प्यूबर्टी की एज आती है तब फीमेल के अंदर क्या हो जाते हैं कि जो मेंसेस हैं वो शुरू हो जाते हैं। पता होगा आपको जो मेंसेस हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होते हैं, वो शुरू हो जाते हैं। तो आइए थोड़ा उसके बारे में बात करते हैं, जो मेंसेस हैं वो शुरू हो जाते हैं, क्लियर। और नॉर्मल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ठीक, इसको हम लोग रब कर रहे हैं क्योंकि समझ चुके हैं इसको, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है नॉर्मली वो कितने दिनों का होता है, वो 28 डेज का होता है। वो क्या होता है, वो 28 डेज का होता है। नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल वो क्या होता है, 28 डे का होता है, ठीक, 28 डेज का होता है। अब ध्यान से बात होने, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसके अंदर 5th to 13th डे, 5th to 13th डे, ध्यान से बात सुने, 15th to 13th डे तक, ठीक है, 5th to 13th डे तक क्या होता है, फीमेल के अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है, फीमेल के अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करती है, उस हार्मोन को रिलीज करती है। नाम क्या है उस हार्मोन का, उस हार्मोन का नाम है FSH, क्या है, FSH, नाम क्या है इसका, फुल फॉर्म फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्या है ये है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मतलब ये किसको स्टिमुलेट करेगा, ये फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा, किसको स्टिमुलेट करेगा, फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा, ताकि जब फॉलिकल्स हैं वो मैच्योर हों, जो फॉलिकल्स हैं वो मैच्योर हों, ठीक। तो मतलब क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो क्या करता है, जो फॉलिकल्स हैं इनके अंदर आगे की जो प्रोसेस है उसको इनिशिएट कराता है, ठीक। और ये कब होता है, 15th to 13th डे ऑफ नॉर्मल 28 डे मेंस्ट्रुअल साइकिल, तब होता है, क्लियर। अब ध्यान से सुन, बात सुने, जो प्राइमरी फॉलिकल बना था, जो प्राइमरी फॉलिकल बना था उसके अंदर क्या था, प्राइमरी ओसाइट था। इस हार्मोन के रिस्पॉन्स में जो प्राइमरी फॉलिकल है इसके अंदर क्या होता है कि जो ग्रैनुलोसा सेल्स की कवरिंग होती है ये डिवाइड करने लग जाती है, ठीक है। ये बीच में क्या है, ये प्राइमरी ओसाइट है, ठीक। इसके बाहर क्या, जो ग्रैनुलोसा सेल्स थी उन्होंने डिवाइड करना शुरू कर दिया, उन्होंने क्या किया, डिवाइड करना शुरू कर दिया। और इस टाइप से इसको जो लेयरिंग है इसकी एक और ज्यादा जो कवरिंग है वो बना दी, ठीक। मतलब क्या है, यहाँ पर ग्रैनुलोसा सेल्स जो है डिवाइड करके अपना नंबर बढ़ा लिया और प्राइमरी फॉलिकल जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है किसके अंदर, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर, किसके अंदर, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर, किसमें, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर, ठीक, समझे बात। ये क्या है, सेकेंडरी फॉलिकल है, क्लियर। और सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर ये क्या है, ये प्राइमरी ओसाइट है, ये क्या है, प्राइमरी ओसाइट है, ठीक, क्या है, प्राइमरी ओसाइट है, क्लियर। उसको हमने अभी तक नहीं छेड़ा क्योंकि अभी तक क्या है, प्राइमरी ओसाइट ही चल रहा है। अब ध्यान से बात सुनिए, इसके बाद में क्या होता है कि जो फॉलिकल हैं एफएसएच के रिस्पॉन्स के अंदर जो फॉलिकल्स हैं वो अपने आप को और मैच्योर करते हैं और जो सेकेंडरी फॉलिकल होता है ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है किसके अंदर, टर्शियरी फॉलिकल के अंदर, किसके अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, टर्शियरी फॉलिकल के अंदर।
क्लियर। और टर्शरी फॉलिकल के अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो यहां पर क्या है, ये तो ग्रैनुलोसा सेल्स की कवरिंग है ही, ये क्या है, ग्रैनुलोसा सेल्स की कवरिंग है ही, क्लियर। ये जो ग्रैनुलोसा सेल्स की कवरिंग है ये काफी ज्यादा हो जाती है, इसको हम लोग सिंपल डायग्राम से इस टाइप से शो कर देते हैं, ठीक। इतनी हो जाती है ग्रैनुलोसा सेल्स की कवरिंग, क्लियर। और जो ग्रैनुलोसा सेल्स की कवरिंग है वो काफी ज्यादा हो जाती है, इसको सिंपल डायग्राम में हम लोग समझ सकते हैं, क्लियर। ये देखिए बीच में क्या है, ये प्राइमरी ओसाइट ही है, क्लियर। और जो ग्रैनुलोसा सेल्स की कवरिंग है इस टाइप से इसके ऊपर हो जाती है, और जो ग्रैनुलोसा सेल्स की कवरिंग है इसके बीच में क्या होती है, एक कैविटी डेवलप हो जाती है। यहाँ पर क्या होता है, ये जो मेम्ब्रेन है इसके अंदर क्या होगा, एक कैविटी डेवलप हो जाएगी, ठीक, एक फ्लूड फिल्ड कैविटी डेवलप हो जाएगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे एंट्रम। क्या बोलेंगे, एंट्रम, क्या बोलेंगे, एंट्रम, एंट्रम बोला जाता है, क्लियर। जो सेकेंडरी फॉलिकल है वो कैसे में ट्रांसफॉर्म होगा, वो होगा टर्शियरी फॉलिकल के अंदर। कहां पर, टर्शियरी फॉलिकल के अंदर, क्लियर। टर्शियरी फॉलिकल को देखते हैं तो टर्शियरी फॉलिकल के अंदर क्या होता है, जो प्राइमरी ओसाइट होता है एक, तो उसके बाद में क्या होता है कि वहां पर एक हमें फ्लूड फिल जो कैविटी है वो दिखने लगती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एंट्रम बोलते हैं, ठीक। और एंट्रम जो है, ये एंट्रम यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, फ्लूड होता है। जो एंट्रम है ये क्या है, एक फ्लूड फिल्ड कैविटी है, क्या है, फ्लूड फिल्ड कैविटी है, ठीक। अब ध्यान से बात सुने, जो स्ट्रोमा होता है, स्ट्रोमा कहाँ पर होता है, ओवरी के अंदर। हम लोगों ने ओवरी जो पढ़ी थी उसके अंदर हमने क्या देखा था कि दो पार्ट देखे थे, कौन कौन से, एक तो ओवरी का कॉर्टेक्स रीजन, एक होता है मेडुला रीजन। मेडुला रीजन के अंदर क्या होता है, बेसिकली वहां पर क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, वेन्स होती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, क्लियर। उसके बाद में जो कॉर्टेक्स का रीजन होता है वहां पर क्या होते हैं, ये सारे के सारे जो प्रोसेस है ये चलती रहती है। कॉर्टेक्स रीजन के अंदर क्या होते हैं, जो फॉलिकल्स हैं ये मैच्योर होते रहते हैं कॉर्टेक्स रीजन में, क्लियर। और ओवरी के अंदर बेसिकली जो हम लोग बात करते हैं होता क्या है, उसके अंदर स्ट्रोमा होता है। तो क्या होता है कि जो स्ट्रोमा होता है वो अपने आप को अरेंज करता है, डेंस हो जाता है। क्या होता है, जो स्ट्रोमा है वो डेंस हो जाता है, किसके चारों ओर, टर्शियरी फॉलिकल के चारों ओर, ठीक है। और क्या करता है कि डेंस होकर थीका बना लेता है, क्या बना लेता है, थीका बना लेता है, क्या बनाता है, थीका। अब थीका क्या होता है, एक कवरिंग जो होती है उसको हम लोग थीका बोलते हैं, क्लियर। जो थीका होता है वो क्या है, कवरिंग है, ठीक। और जो आउटर कवरिंग है, जो आउटर कवरिंग होती है थीका में, उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आउटर थीका, ठीक है, क्या बोलते हैं, आउटर थीका, आउटर थीका, ठीक है। या फिर इसको हम लोग बोलते हैं थीका एक्सटर्ना, क्या बोलते हैं, थीका एक्सटर्ना, क्लियर। और जो इनर थीका होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, थीका इंटरना, क्या बोलते हैं हम लोग। जो आउटर होता है उसको क्या बोलते हैं, थीका एक्सटर्ना, और जो इनर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, थीका इंटरना, क्या बोलते हैं, थीका इंटरना, क्लियर। आपको इतनी बात समझ आई होगी क्या है यहां पर, कि दोबारा से हम लोग देखते हैं, जो प्राइमरी ओसाइट है इसके चारों ओर क्या है, ग्रैनुलोसा सेल्स हैं। क्या बोल दिया हमने इसको, प्राइमरी फॉलिकल बोल दिया, ठीक। उसके बाद में प्राइमरी फॉलिकल जो है इसके अंदर जो ग्रैनुलोसा सेल्स हैं वो मल्टीप्लाई करती हैं, नंबर बढ़ाती हैं, और ज्यादा कवरिंग बना लेती हैं, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल बोल देते हैं। और सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर क्या होता है, उसके बाद में एक कैविटी डेवलप हो जाती है। सेकेंडरी फॉलिकल जो है इसके अंदर जो ग्रैनुलोसा सेल्स हैं यहाँ पर क्या हो जाती है, कैविटी डेवलप हो जाती है। ये यहाँ पर क्या है, ये सारी सारी ग्रैनुलोसा सेल्स हैं यहाँ पर, ये क्या है, ग्रैनुलोसा सेल्स हैं, ठीक। ये सारी क्या है, ग्रैनुलोसा सेल्स हैं, क्लियर। ये क्या है, ग्रैनुलोसा सेल्स हैं। और ग्रैनुलोसा से जो सेल्स हैं इसके अंदर क्या होती है, कैविटी डेवलप हो जाती है, और उस कैविटी के अंदर क्या होता है, फ्लूड होता है। तो ये क्या है, फ्लूड फिल्ड कैविटी है, उसे क्या बोला हमने, एंट्रम बोला। और इसके अलावा जो स्ट्रोमा है ओवरी का वो डेंस होकर टर्शियरी फॉलिकल के चारों ओर क्या करता है, कवरिंग बनाता है। उसमें से बाहर वाली जो कवरिंग होती है उसे हम लोग बोलते हैं थीका एक्सटर्ना, और अंदर वाली जो कवरिंग होती है उसे क्या बोलते हैं, थीका इंटरना बोलते हैं, ठीक। अब ये जो टर्शियरी फॉलिकल है ये ट्रांसफॉर्म होगा किसमें, ग्राफियन फॉलिकल में। किसमें ट्रांसफॉर्म होगा, ग्राफियन फॉलिकल में। और ग्राफियन फॉलिकल जो है वो एक मैच्योर फॉलिकल होता है। क्या होता है, जो ग्राफियन फॉलिकल है वो मैच्योर फॉलिकल होता है, क्लियर। आइए हम लोग देखते हैं। अब यहां पर क्या होता है, बेसिकली जो टर्शियरी फॉलिकल होता है, जो टर्शियरी फॉलिकल होता है इसके अंदर क्या होता है कि जो मियोटिक फर्स्ट डिवीजन है वो कंप्लीट हो जाता है। क्या हो जाता है, मियोटिक फर्स्ट डिवीजन कंप्लीट होता है। क्या होता है, यहां पर जो प्राइमरी ओसाइट है ये वाला, इसमें क्या हो जाता है,
कि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाता है। और ये जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन है कंप्लीट हुआ है यहां पर, ठीक। ये जो डिवीजन है ये अनइक्वल डिवीजन होता है, ध्यान से बात सुनिए, ये क्या होता है, अनइक्वल डिवीजन होता है, अनइक्वल डिवीजन होता है। तो यहां पर ये जो स्ट्रक्चर बनी है, ये जो इधर एक जो स्ट्रक्चर बनी है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अब ये एन हो जाएगी क्योंकि यहां पर क्या है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जो है ये क्या है, कंप्लीट हो चुका है, क्लियर। और ये अनइक्वल डिवीजन है, ठीक। इधर क्या बना है, एक स्मॉल बॉडी बन चुकी है, एक छोटी छोटी बॉडी बन चुकी है, जो क्या है, जो हैप्लोइड है, जो क्या है, ये भी हैप्लोइड है। और इस बॉडी को हम लोग बोलते हैं पोलर बॉडी, क्या बोलते हैं, पोलर बॉडी, ठीक। और ये जो पोलर बॉडी है ये पहले बनी है, इसे क्या बोल देते हैं, फर्स्ट पोलर बॉडी भी बोल देते हैं, फर्स्ट पोलर बॉडी, क्योंकि पहली पोलर बॉडी बनी है अभी तक, इसके बाद में पोलर बॉडी बनेगी, क्लियर। तो ध्यान से बात सुने, जो प्राइमरी ओसाइट है यहाँ पर, जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन अरेस्ट हो चुका था कहां पर, डिप्लोटीन में, वो अब कंप्लीट हो जाता है। और कंप्लीट होने के बाद में क्या बनता है, ये जो स्ट्रक्चर बनती है, ठीक, इसे हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी ओसाइट, क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ओसाइट। इसको हम लोग रब करते हैं, आपको फॉलिकल्स जो हैं ये समझ आए होंगे उम्मीद है, ठीक। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम लोगों ने क्या बोला, ये है सेकेंडरी ओसाइट, क्या है, सेकेंडरी ओसाइट, क्लियर। क्या होता है कि टर्शियरी फॉलिकल के अंदर जो प्राइमरी ओसाइट होता है वो क्या करता है, डिवीजन करता है, क्या करता है, डिवीजन करता है। और डिवीजन करके क्या बनाता है, एक तो पोलर बॉडी बनती है, ठीक, क्या बनती है, पोलर बॉडी, पोलर बॉडी ऐसे साथ में लगी रहती है, ठीक। क्या होता है, जो पोलर बॉडी, ध्यान से बात सुनिए, जो पोलर बॉडी है इसके अंदर क्रोमोसोम का पूरा सेट ही होता है, ठीक, क्रोमोसोम का पूरा सेट होता है। और यहां पर क्या होता है कि, ध्यान से बात सुने, लेकिन इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो बहुत कम होता है, यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म है वो बहुत कम होता है। आइए बात करते हैं थोड़ा इसके बारे में कि पोलर बॉडी आपको थोड़ा परेशान करेगी कि ये क्यों बनती है। ध्यान से बात सुने, जब मियोटिक फर्स्ट डिवीजन होता है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में क्या होती है कि एक सेल से दो डॉटर सेल बनती है, रिडक्शन डिवीजन है, जो दोनों के दोनों डॉटर सेल बनी है वो हैप्लॉइड होंगी, ठीक। अब ध्यान से बात सुने कि जो ओ जेनेसिस होता है, ठीक है, इसके अंदर जो ओवम बनेगा वो एक ही बनेगा, ठीक, जो ओवम है वो एक ही बनेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पर इक्वल डिवीजन होता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेंगे, दो ओसाइट बनेंगे, दो सेकेंडरी ओसाइट बनेंगे। लेकिन दोनों जो सेकेंडरी ओसाइट बनेंगे उनके पास में जो साइटोप्लाज्म का बंटवारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म जो है वो बंटवारा हो जाएगा। अब साइटोप्लाज्म का अगर बंटवारा हो गया तो आगे जाकर इन्हीं सेल्स ने क्या करना है, फर्टिलाइजेशन में भाग लेना है और पूरा एम्ब्रियो बनाना है, क्लियर। तो एम्ब्रियो बनाने के लिए, ठीक है, जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, इनके पास रिजर्व साइटोप्लाज्म चाहिए, इनको काफी ज्यादा साइटोप्लाज्म की नीड होती है, क्लियर। हम लोग ये भी जानते हैं कि जो ओवम होता है, ठीक है, वो क्या होती है, सबसे बड़ी सेल होती है ह्यूमन की, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है कि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है वो अनइक्वल होता है, क्योंकि सारा का सारा जो साइटोप्लाज्म है वो चाहते हैं हम लोग कि उसका बंटवारा ना हो, उसका बंटवारा ना हो, आगे का जो डेवलपमेंट है वो नॉर्मली होता रहे, ठीक। क्योंकि यहाँ पर अगर साइटोप्लाज्म का बंटवारा हो जाएगा तो यहाँ पर जो आगे की जो प्रोसेस है उसके अंदर परेशानी होगी, ठीक, क्योंकि साइटोप्लाज्म कम रह जाएगा। और यहाँ पर क्या है कि साइटोप्लाज्म जो है उसको एक ही स्ट्रक्चर के अंदर गेन करने की कोशिश की जाती है, इसलिए यहाँ पर दूसरी साइड जो एक बॉडी बनती है उस वो क्या होती है, हैप्लोइड जरूर होती है, उसके अंदर क्रोमोसोम का पूरा पूरा सेट होता है, लेकिन वो क्या होती है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म जो है वो नहीं होता है, ठीक, इसलिए उसको क्या बोल देते हैं हम लोग, पोलर बॉडी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, पोलर बॉडी। और इधर क्या बन जाता है, सेकेंडरी ओसाइट बन जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि टर्शियरी फॉलिकल है, जो टर्शियरी फॉलिकल है ये ट्रांसफॉर्म होता है नेक्स्ट किसके अंदर, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर, किसके अंदर, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर। ये चीजें कब हो रही है, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के रिस्पॉन्स में ही हो रही है, पांचवें से तेरहवें दिन के बीच बीच में हो रही है सारी चीजें, ठीक, क्योंकि अब मेंसेस शुरू हो चुके हैं, ठीक। अब देखिए ये जो टर्शियरी फॉलिकल है ये किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा ग्राफियन फॉलिकल में, क्या हो जाएगा, ग्राफियन फॉलिकल में। आइए देखते हैं ग्राफियन फॉलिकल की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है, ये उसमें क्या होता है, इस टाइप से, ये क्या है, ग्राफियन फॉलिकल है हम लोग, ठीक, स्ट्रक्चर बना के समझ रहे हैं। और यहाँ पर ध्यान से बात सुने, ये क्या है, ये जो ग्रैनुलोसा सेल्स हैं, ठीक है, यहाँ पर ये जो आपको दिख रही है, ठीक, ये क्या है, ग्रैनुलोसा सेल्स हैं, ठीक। उसके बाद में क्या होता है कि ये जो कैविटी एंट्रम ये बड़ी हो जाती है, ये क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, ठीक। इसलिए बड़ी होने के कारण ये जो सेकेंडरी ओसाइट है अपना, ठीक, जो सेकेंडरी ओसाइट है ये एक साइड में आ जाता है, क्या हो जाता है कि ये जो कैविटी है ये बड़ी हो जाती है, ठीक, इस टाइप से जो कैविटी है ये बड़ी हो जाती है, ठीक। ये क्या है कि कैविटी जो है ये बड़ी हो गई, ठीक,
ये क्या है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो हमारा क्या है सेकेंडरी ओसाइट है, ये एक साइड में आ जाता है। क्या होता है कि जो सेकेंडरी ओसाइट है वो साइड में आ जाता है। ये क्या है, सेकेंडरी ओसाइट जो है वो साइड में आ चुका है। क्लियर, क्या है ये सेकेंडरी ओसाइट साइड में आ चुका है। ठीक, अब देखिए इसके बाद में यहाँ पर क्या है, कवरिंग है, यहाँ पर क्या है कवरिंग होगी। ठीक है, कौन सी, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। क्या होगी, थीका एक्सटर्ना बाहर वाली, ये तो प्रेजेंट ही है यहाँ पर, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना ये तो प्रेजेंट है ही। ठीक, क्लियर, ये क्या है, ये एंट्रम है, ये क्या है एंट्रम है। क्लियर, ये जो कैविटी है ये बड़ी हो चुकी है टर्शियरी फॉलिकल की तुलना में, जो ग्राफियन फॉलिकल है उसमें जो कैविटी है वो बड़ी हो चुकी है। ठीक, और अब यहाँ पर फिर क्या होता है, क्या एक्चुअल में यहाँ पर क्या होता है कि ये जो है, ठीक, यहाँ पर जो हमारा सेकेंडरी ओसाइट है, जो सेकेंडरी ओसाइट है इसके चारों ओर एक क्या होता है कि जो ग्रैनुलोसा सेल्स होती हैं वो मॉडिफाई होकर एक कवरिंग बना देती हैं। ठीक, क्या होता है कि सबसे पहले तो जो सेकेंडरी ओसाइट है इसके चारों ओर एक मेम्ब्रेन बनती है। क्या बनती है, एक मेम्ब्रेन बनती है। ठीक, उस मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं, ये जो मेम्ब्रेन बनी है इस मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं जोना पेलुसिडा। क्या बोलते हैं, जोना पेलुसिडा। क्या बोलते हैं, जोना पेलुसिडा। क्लियर, क्या है, जोना पेलुसिडा बन चुकी है। ठीक, और जोना पेलुसिडा के बाहर जो क्या होती है ग्रैनुलोसा सेल्स होती हैं, क्या होती हैं इस टाइप से, क्या होती हैं ग्रैनुलोसा सेल्स होती हैं, वो एक कवरिंग और बनाती हैं, उसे हम लोग बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा। क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा। क्लियर, दोबारा देखिए जो सेकेंडरी ओसाइट है यहाँ पर उसके चारों ओर एक कवरिंग बन चुकी है। ठीक है, जोना पेलुसिडा जिसको बोला है, और जोना पेलुसिडा के बाहर एक क्या है और कवरिंग है जो कि ग्रैनुलोसा सेल्स की ही कवरिंग है, उसे हमने क्या बोला है, कोरोना रेडिएटा बोला है। क्लियर, अब ध्यान से बात सुनिए, ये क्या है, ये पूरा एक बन चुका है फॉलिकल, जिसे एक मैच्योर फॉलिकल हम लोग बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। क्या बन चुका है, ग्राफियन फॉलिकल। क्लियर, उम्मीद आपको ये बात समझ आई होगी। 13th डे तक ये कंप्लीट जो प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाती है। क्लियर, अब देखिए, अब 14th डे जो होता है, अब क्या होता है, जो 14th डे होता है नॉर्मल 28 डेज का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसके अंदर 14th डे क्या होता है, जो LH हार्मोन है वो रिलीज होता है। क्या होता है, LH हार्मोन रिलीज होता है और उसका जो अमाउंट है LH हार्मोन का वो एकदम बढ़ जाता है। ठीक है, एंटी रिपिट्यूटरी क्या करती है, LH हार्मोन का एकदम जो बड़ा अमाउंट है उसको रिलीज करती है। ठीक है, काफी ज्यादा अमाउंट में रिलीज करती है, उसे हम लोग बोलते हैं LH सर्ज। क्या बोलते हैं, LH सर्ज। ठीक है, मतलब क्या है, 14th डे LH हार्मोन रिलीज होगा और LH हार्मोन फिर क्या करवाएगा, LH हार्मोन जो है ये क्या करवाएगा, ग्राफियन फॉलिकल को ये रैप्चर करवा देगा। ग्राफियन फॉलिकल जो है इसको रैप्चर करवा देगा और ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर होके बाहर क्या रिलीज कर देगा, बाहर क्या रिलीज करेगा, ये जो अंदर क्या है ये सेकेंडरी ओसाइट है, ये जो सेकेंडरी ओसाइट है इसको ग्राफियन फॉलिकल जो है बाहर रिलीज कर देगा। ठीक, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ओवुलेशन। क्या बोलते हैं, ओवुलेशन। ठीक, तो ओवुलेशन की जो प्रोसेस होती है, ध्यान से बात सुने, उसके अंदर ओवम रिलीज नहीं होता है, उसके अंदर क्या रिलीज होता है, उसके अंदर सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होता है। क्या होता है, उसके अंदर सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होता है। क्लियर, उम्मीद आपको ये समझ आया होगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या है कि जो ग्राफियन फॉलिकल है ये फट जाता है, रप्चर हो जाता है, कब, जब 14th डे क्या होता है LH सर्ज होता है, LH का जो अमाउंट है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है, यहाँ पर आप इसको इस बात से याद रख सकते हैं, L फॉर लुटादो, L फॉर लुटादो। ठीक, लुटादो। ठीक, क्या जो आपके पास सेकेंडरी ओसाइट है इसको लुटा दो, तो मतलब क्या है, यहाँ पर जो सेकेंडरी ओसाइट है इसको रिलीज करना है, बाहर रिलीज करना है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको बाहर रिलीज कर दिया जाएगा, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवुलेशन बोलते हैं, 14th डे होती है। ठीक, अब ध्यान से बात सुने, रिलीज जो हुआ है वो क्या हुआ है, सेकेंडरी ओसाइट रिलीज हुआ है। ठीक, अब क्या है कि जो ओवरी है उसने रिलीज क्या किया है, उसने रिलीज किया है सेकेंडरी ओसाइट। अब ओवरी के बाहर क्या होती है, फैलोपियन ट्यूब होती है और फैलोपियन ट्यूब के थ्रू फिर जो सेकेंडरी ओसाइट है वो आगे जाता है। ठीक, कहां तक पहुंच जाता है, वो एम्पुला के रीजन तक पहुंच जाता है। क्लियर, क्या होता है कि एम्पुला के रीजन तक पहुंच जाता है। एक बात और ध्यान रखें, ये जो फॉलिकल्स हैं ये कहां पर चल रहे हैं, ये कॉर्टेक्स रीजन में चल रहे हैं, कहां पर, ओवरी में, कहां पर, ओवरी में। और जो सेकेंडरी ओसाइट है वो कहां पर जा चुका है, वो फैलोपियन ट्यूब में जा चुका है। अब ध्यान से बात सुनिए, अगर फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक, हम लोग क्या करते हैं, एक बार फर्टिलाइजेशन करवाते हैं क्योंकि हमें जो ओजेनेसिस है इसकी प्रोसेस को पूरा करना है। क्लियर, यहां पर क्या होता है कि अब मान लीजिए क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। क्लियर, क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, सेकेंडरी ओसाइट जो है फैलोपियन ट्यूब में है और वहां पर क्या पहुंच चुका है, स्पर्म पहुंच चुका है।
ठीक है, स्पर्म पहुंचा है तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और यहां पर फिर क्या होगा, जो सेकेंडरी ओसाइट है यहां पर क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है हम लोग इसको भी पढ़ चुके हैं थोड़ा सा ब्रीफ में। हमने क्या देखा था कि जो हमारा क्या होता है, ये ओवम जो होता है, ध्यान से बात सुने, ये मान लीजिए सेकेंडरी ओसाइट है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं कन्वेंशनली, इसको ओवम भी बोल देते हैं, लेकिन होता है क्या है, होता है सेकेंडरी ओसाइट है, क्लियर। इसके चारों ओर की जो कवरिंग है वो कौन कौन सी है, सबसे बाहर जो कवरिंग है इसे क्या बोलता है हमने, इसे बोला था हमने जोना पेलुसिडा, क्या बोला था, जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा, क्लियर। और इसके बाहर जो ग्रेनुलोसा सेल्स की कवरिंग थी उसे हमने क्या बोला था, उसे हमने बोला था कोरोना रेडिएटा, क्या बोला था, कोरोना रेडिएटा, ठीक। अब जब फर्टिलाइजेशन होगा, जो स्पर्म है, जो स्पर्म है उसके अंदर जो एक्रोसोम है वो क्या करेगा, ये जो कोरोना रेडिएटा और जोना पेलुसिडा है इसको क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, इसको डाइजेस्ट कर देगा, कहां पर, जहां से सिर्फ एंट्री होनी है वहां पर क्या कर देगा, उसको डाइजेस्ट कर देगा। डाइजेस्ट करने के बाद में हमने बात की थी कि जो हेड रीजन होती है वहां पर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और हेड रीजन के बाद में जो नेक रीजन होती है वहां पर क्या होता है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है। और जब फर्टिलाइजेशन होता है तब क्या होता है, जो न्यूक्लियस और सेंट्रियोल है वो 180 डिग्री के एंगल पे घूम जाते हैं, क्या होता है, 180 डिग्री के एंगल पे घूम जाते हैं, तो मतलब जो सेंट्रियोल है वो आगे पहले जाएगा, ठीक है। यहां पर क्या है, सेकेंडरी ओसाइट का ये न्यूक्लियस है, क्लियर, एक सेंट्रियोल इसके पास में पहले था, ठीक, एक सेंट्रियोल इसके पास में पहले था, और एक सेंट्रियोल किसने दे दिया इसको, वो दे दिया स्पर्म ने, क्योंकि पहले क्या है 180 डिग्री के एंगल पे जब वो घूमा तो यहाँ पर क्या होगा, सेंट्रियोल आगे आ गया और न्यूक्लियस पीछे रह गया, ठीक, न्यूक्लियस पीछे रह गया, मान लीजिए न्यूक्लियस एक साइड में, ये पीछे है, ठीक, या इसको हम लोग क्या करते हैं, ये सेंट्रियोल है, न्यूक्लियस इसके पीछे है। अब होता क्या है, जब दोनों सेंट्रियोल इसके पास पूरे हो जाते हैं तब यहाँ पर सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है, क्या होता है, सेकेंड मियोटिक डिवीजन यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब यहां पर सेकेंड मियोटिक डिवीजन जब कंप्लीट होगा, ठीक, यहां पर क्या हो जाएगा, सेकेंड मियोटिक डिवीजन यहां पर कंप्लीट होगा, ठीक, तब क्या बनेगा, फर्टिलाइजेशन के बाद में सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हुआ है तो यहां पर क्या बनेगा, तब यहां पर बनेगा ओवम, क्या बनेगा, ओवम, जिसको हम लोग बोलते हैं एग, ठीक। और मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होगा तो अब ये जो मियोटिक डिवीजन है ये भी अनइक्वल होगा। अनइक्वल क्यों होगा, क्योंकि हमें जो सारा का सारा साइटोप्लाज्म है वो एक ही सेल को देना है ताकि जो प्रोसेस आगे फर्टिलाइजेशन के बाद की जो एम्ब्रियो बनेगा वो नॉर्मली बन सके, तो यहां पर क्या हो जाएगा, दोबारा से एक और पोलर बॉडी बन जाएगी, ठीक। यहां पर क्या होगा, ये ओवम बन चुका है और एक तरफ क्या बन जाएगी, ये पोलर बॉडी भी बन जाएगी, ठीक, एक तरफ क्या बन गई, पोलर बॉडी बन गई, ये फर्स्ट बनी है, ये क्या है, ये सेकेंडरी पोलर बॉडी है, ये क्या है, सेकेंडरी पोलर बॉडी या फिर सेकेंड पोलर बॉडी बन गई, ठीक, क्योंकि ये पहले बनी थी ये बाद में बनी है, तो ये क्या है, सेकेंड पोलर बॉडी है, क्लियर, समझ बात आपको। अब बात सुनिए, यहां पर क्या बन चुका है, ये मान लीजिए ये पोलर बॉडी बन चुकी है, ठीक, डिवीजन हो चुका है, उसके बाद में ये जो न्यूक्लियस है इसके न्यूक्लियस के साथ में फ्यूज होता है, क्लियर। और न्यूक्लियस जब फ्यूज होते हैं, जब न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कार्योगैमी, क्या बोलते हैं, कार्योगैमी। ध्यान से बात सुने, जब दोनों गैमेट का साइटोप्लाज्म मिक्स होता है आपस में, साइटोप्लाज्म जब मिक्स होता है, ठीक, या हम लोग बोले कि जो प्रोटोप्लाज्म है वो मिक्स होता है, क्या होता है, जब दोनों गैमेट्स का, हम लोग टर्म्स को समझ रहे हैं, ध्यान से बात सुने, अटेंशन आए, बोर मत होए, यहां पर क्या है कि जो प्रोटोप्लाज्म मिलता है दोनों के दोनों, ठीक है, जब क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म मिलता है, ठीक, प्रोटोप्लाज्म मिलता है, तब हम लोग क्या बोलते हैं, या फिर जो साइटोप्लाज्म है पहले वही मिलेगा तो साइटोप्लाज्म, ठीक, साइटोप्लाज्म जब मिलता है दोनों गैमेट्स का, तब उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं प्लाज्मोगैमी, क्या बोलते हैं, प्लाज्मोगैमी, क्या बोलते हैं, प्लाज्मोगैमी, क्लियर। उसके बाद में क्या होगा, प्लाज्मोगैमी के बाद में जो न्यूक्लियस हैं दोनों वो मिलेंगे, जैसे ये जो न्यूक्लियस हैं ये दोनों मिलेंगे इस टाइप से, ठीक, ये मान लीजिए ये जो दोनों न्यूक्लियस हैं ये मिले हैं, ठीक, एक ये न्यूक्लियस है, एक ये न्यूक्लियस है, तो दोनों न्यूक्लियस जब मिलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कार्योगैमी, क्योंकि कार्योन वर्ड हम लोग क्या करते हैं, न्यूक्लियस के लिए यूज करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, कार्योगैमी, ठीक। अब ध्यान से बात सुने कि जब न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं तो न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में होते हैं क्रोमोसोम्स, जब क्रोमोसोम अपने आप को क्या करते हैं, अरेंज कर लेते हैं, जब क्या होता है, जब क्रोमोसोम अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ में मिक्स हो जाते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एम्फीमिक्सिस, जब क्रोमोसोम जो है वो क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ में मिल जाते हैं, ठीक, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एम्फीमिक्सिस, क्या बोलते हैं, एम्फीमिक्सिस, क्लियर। ये कुछ एक टर्म्स थी,
तो ह्यूमंस में जो एग बनता है वो फर्टिलाइज एग ही बनता है। क्या है? ह्यूमंस में जो एग बनता है वो अनफर्टिलाइज नहीं होता है, वो फर्टिलाइज एग ही बनता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या बनता है? एग बनता है। समझे आपको बात? तो यहां से बात सुने कि प्राइमरी ओसाइट के बाद में ओवम बनने तक की जो प्रोसेस है इसे क्या बोलते हैं हम लोग? मैचुरेशन फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैचुरेशन फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैचुरेशन फेज बोलते हैं। अब ध्यान से बात सुनिए, ये तो प्रोसेस है ओवम बनने की, ठीक है। अगर मान लीजिए ओवम, मान लीजिए जब क्या होता है फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब क्या बनता है कि ये, समझिए आपको बात, ठीक है। तो अब देखिए, अब होता क्या है कि अगर मान लीजिए फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, अगर मान लीजिए फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तब क्या होगा? तब सेकेंड म्यूटिक डिवीजन कंप्लीट नहीं होगा, ठीक। तो यहां पर क्या है, फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन कंप्लीट हुआ था, फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होता है सेकेंड म्यूटिक डिवीजन कंप्लीट होता है, ठीक। तो यहां पर सेकेंड म्यूटिक डिवीजन कंप्लीट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके बाद में पहली बात तो क्या है, सेंट्रियोल नहीं है। पहली बात तो सेंट्रियोल नहीं है। नेक्स्ट बात क्या है कि जब सेल साइकिल होता है तो वहां पर क्या होते हैं, कुछ एक कॉम्प्लेक्स बनते हैं जो कि एक फेज से नेक्स्ट फेज के अंदर सेल साइकिल को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, सेल साइकिल को प्रमोट करते हैं। तो यहां पर क्या होता है कि जो मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर होता है, ठीक है, जो एमपीएफ होता है वो क्या बन जाता है, एएनएफ बन जाता है, एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर बन जाता है। कब? जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर नहीं बनेगा, एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर नहीं बनेगा। तो मतलब सेकेंडरी ओसाइट रह जाएगा, ये डीजनरेट कर जाएगा अपने आप, ठीक है। और क्लियर, आपको ये बात समझ आई? ये क्या हो जाएगा, डीजनरेट कर जाएगा। अब आ जाते हैं ग्राफियन फॉलिकल में, ठीक है। अगर मान लीजिए फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तब ग्राफियन फॉलिकल जो है ये बना रहता है, तब ये जो ग्राफियन फॉलिकल है ओसाइट रिलीज होने के बाद में ये बना रहता है। और ये बाद में क्या बनाता है, ग्राफियन फॉलिकल जो है ये क्या बनाता है, एक बॉडी बनाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्पस ल्यूटियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्पस ल्यूटियम, ठीक। क्या बोलते हैं? कार्पस ल्यूटियम बोलते हैं, क्लियर। और कार्पस ल्यूटियम फिर क्या करती है, प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करती है। हम लोग क्या करेंगे, कल मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझेंगे, उसमें हम लोग इस प्रोसेस को समझेंगे। और अगर मान लीजिए फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तब यहां पर ये जो ग्राफिन फॉलिकल जो रप्चर किया था ये क्या होता है, थोड़े दिनों तक क्या रहता है, कार्पस ल्यूटियम बना रहता है। और कार्पस ल्यूटियम फिर क्या कर जाता है, अगर मान लीजिए फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ठीक है, क्या होता है शुरू में कि अगर मान लीजिए फर्टिलाइजेशन हो गया तो जो कार्पस ल्यूटियम बना है, ठीक है, आइए दोबारा समझते हैं इसको। क्या है कि ग्राफिन फॉलिकल ने ओवुलेशन कर दिया, ओवम रिलीज कर दिया, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है, सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होता है, और उसके बाद में सेकेंडरी ओसाइट को रिलीज करने के बाद में ये बंद किया जाता है, कार्पस ल्यूटियम बन जाता है। अब अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो कार्पस ल्यूटियम मेंटेन रहता है, बना रहता है, और क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करता है। और अगर मान लीजिए फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तब क्या होता है कि कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट करके क्या बनाता है, कार्पस एल्बिकेंस बनाता है, ठीक है। कार्पस ल्यूटियम श्रिंक कर जाता है और क्या बनाता है, कार्पस एल्बिकेंस बनाता है। क्या बनाता है? कार्पस एल्बिकेंस। और कार्पस एल्बिकेंस जो है वो बाद में डीजनरेट कर जाता है, ठीक है। इधर कार्पस एल्बिकेंस डीजनरेट कर जाता है और इधर जो सेकेंडरी ओसाइट है वो डीजनरेट कर जाता है, क्लियर। तो ये जो प्रोसेस थी टोटल, ये थी हमारी ऊजेनेसिस की प्रोसेस, ठीक है। ये क्या थी? ऊजेनेसिस की प्रोसेस थी। उम्मीद आपको ये बात समझ आई होगी, ठीक। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जो ऊजेनेसिस है और जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, ऊजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस जो है, इस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से कुछ एक जो डिफरेंस है वो नोट कर लेते हैं। क्या करते हैं हम लोग, जो डिफरेंस है वो नोट करते हैं, ठीक, ऊजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस में। कई बार पूछे ही जाते हैं एग्जाम्स में, तो आइए उनको पढ़ते हैं, ठीक। अब देखिए कि जो हमारे पास क्या है, इसके बीच में डिफरेंस है वो कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं उनके बारे में। तो जो लोकेशन है, ठीक, लोकेशन के बेस पे बात करें तो ऊजेनेसिस कहां पर होता है भाई, ऊजेनेसिस कहां पर होता है, ये ओवरी में होता है, ठीक। यहां पर हम लोग बात करते हैं, ये ऊजेनेसिस है मान लीजिए, और ये क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस है, ठीक। लोकेशन के बेस पे बात करें तो ऊजेनेसिस कहां पर होता है, ओवरी में होता है, और स्पर्मेटोजेनेसिस कहां पर होता है, टेस्टिस में होता है। ये कहां पर होता है, टेस्टिस में होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रोसेस है, जो नंबर ऑफ गैमेट्स बनते हैं मदर सेल से, नंबर ऑफ गैमेट्स, ठीक है, कितने बनते हैं, एक स्पर्मेटोगोनिया से हमने चार स्पर्मेटिड बनाए थे और चार स्पर्म बने थे, ठीक है। एक स्पर्मेटोगोनिया से हमने क्या किए थे, चार स्पर्मेटिड और उसके बाद में चार स्पर्म बने थे, तो मतलब चार स्पर्म्स बनते हैं। और स्पर्म क्या होता है, मेल गैमेट होता है, तो मतलब चार स्पर्म बनते हैं, चार गैमेट बनते हैं, किसके अंदर,
स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर, लेकिन इधर क्या है, एक ही ओवम बनता है, इधर क्या है एक ही ओवम बनता है, तो मतलब नंबर ऑफ गैमेट क्या रह गया इधर ओजेनेसिस में, एक ही रह गया। क्लियर। अब बात करते हैं बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस की, बिगिनिंग की, ठीक है, बिगिनिंग कब होती है इस प्रोसेस की, मतलब शुरुआत कब होती है। तो ओजेनेसिस की जो प्रोसेस है, ओजेनेसिस की जो प्रोसेस है ये एम्ब्रियो में ही शुरू हो जाती है, ये क्या हो जाता है एम्ब्रियो में ही शुरू हो जाती है। क्लियर। और जो ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है ये कहां पर शुरू होती है, ये प्यूबर्टी के एज में आते आते शुरू होती है। क्या होती है, प्यूबर्टी की एज में आते आते शुरू हो जाती है। क्लियर। प्यूबर्टी की एज के बाद में शुरू होती है, मतलब। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि जो एंड ऑफ द प्रोसेस है, ठीक है, या फिर हम लोग बात करेंगे जो टाइम है गैमेट फॉर्मेशन का, जो टाइमिंग है गैमेट फॉर्मेशन की, टाइमिंग ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, तो मतलब गैमेट जो है किस टाइम तक बनते रहेंगे। तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होगा कि जो गैमेट्स हैं वो लगातार क्या बनते रहेंगे, कंटिन्यूस प्रोसेस है ये, ठीक है, ये लगातार बनते रहेंगे, कंटिन्यूस प्रोसेस है ड्यूरिंग लाइफ टाइम, ड्यूरिंग लाइफ टाइम, प्यूबर्टी से शुरू होकर क्या होता है लाइफ टाइम तक चलता है ये प्रोसेस, ठीक है, लाइफ टाइम तक चलते रहते हैं। लेकिन जो टाइमिंग है गैमेट फॉर्मेशन की, जो टाइमिंग है गैमेट फॉर्मेशन की, वो क्या होता है इसके अंदर कि एक मंथ के अंदर एक ही ओवम रिलीज होता है। क्या होता है, एक मंथ के अंदर एक ही ओवम रिलीज होता है, मतलब ये जो प्रोसेस है ये एक ही बार होगी, ठीक है। तो मतलब क्या है, वंस ड्यूरिंग ए मंथ, ठीक, मतलब यहाँ पर क्या है जो गैमेट बनेगा वो एक मंथ के दौरान एक ही बनेगा, क्योंकि फीमेल्स में क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। क्लियर। अब नेक्स्ट हम लोग बात करें कि जो डिफरेंस है वो क्या है, एंड ऑफ द प्रोसेस की बात करें, ठीक, ये है टाइमिंग, और ये बात करें हम लोग एंड ऑफ द प्रोसेस की। तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस है ये क्या है, लगातार चलता रहता है, ये लाइफ लॉन्ग होता है, लाइफ लॉन्ग होता है, ठीक, स्पर्म्स बनते रहते हैं, लेकिन जो फर्टिलिटी है, मतलब जो एबिलिटी है स्पर्म्स की फर्टिलाइजेशन करने की, वो कम हो जाती है, ये लाइफ लॉन्ग होता है बट फर्टिलिटी रिड्यूस्ड, ठीक। लेकिन ये जो प्रोसेस है कौन सी, ओजेनेसिस की, ये कब तक होती है, ये फीमेल्स में तब तक होती है जब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल चलते हैं, और मेंस्ट्रुअल साइकिल कब तक चलते हैं फीमेल्स में, ये लगभग चलते हैं 45 to 50 ईयर्स तक की एज तक। क्लियर। तो मतलब उसके बाद में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो बंद हो जाते हैं, और उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मेनोपॉज बोलते हैं। तो ये कब तक चलती है, ये मेनोपॉज तक चलती है, जो गैमेट फॉर्मेशन है ये मेनोपॉज तक चलेगा, ठीक, सॉरी जो एंड ऑफ द प्रोसेस है क्या है, मेनोपॉज के बाद में जो ओजेनेसिस है ये प्रोसेस बंद हो जाती है। क्लियर, समझ आए आपको बात, ठीक है। और हम लोग बात करें कि जो रिलीज ऑफ द गैमेट है, ठीक है, जो गैमेट रिलीज होने का टाइम है, ठीक है, रिलीज ऑफ गैमेट जो मेल्स हैं इनमें लगातार चलता रहता है, ड्यूरिंग लाइफ टाइम चलता रहता है, लेकिन रिलीज ऑफ द गैमेट क्या होगा फीमेल्स में, जो ओजेनेसिस में, कि ये एक ही रिलीज होगा मंथ में, ठीक है, वंस इन ए मंथ, क्योंकि एक ही बनेगा और एक ही रिलीज हो जाएगा। क्लियर, इसलिए टाइमिंग और जो रिलीज है वो सेम रहेगा। क्लियर। अब देखें जो मियोटिक डिविजन्स हैं, जो मियोटिक डिविजन्स हैं किसमें, स्पर्मेटोजेनेसिस में, ये कंटिन्यूस रहते हैं, ठीक है, ये लगातार चलते रहते हैं, ये क्या होते हैं, मतलब अनइंटरप्टेड होते हैं, ये क्या होते हैं, अनइंटरप्टेड होते हैं। क्लियर। लेकिन इधर जो मियोटिक डिवीजन होते हैं ओवरी में, सॉरी जो ओजेनेसिस की प्रोसेस है, यहाँ पर क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, ये हम लोग बात करेंगे कि इंटरप्टेड होते हैं, ये क्या होते हैं, इंटरप्टेड होते हैं, कैसे, यहाँ पर जो मियोटिक डिवीजन फर्स्ट शुरू करके रोक दिया गया था, कहाँ पर, डिप्लोटीन में रोक दिया गया था, ठीक, क्लियर। और यहाँ पर जो सेकेंडरी साइट है, इसके अंदर क्या होता है कि मियोटिक सेकंड डिवीजन जो है इसको शुरू करके रोक दिया जाता है, कहां पर, मेटाफेज सेकंड में। यहां पर क्या होता है कि जो सेकेंडरी ओसाइट होता है ये वाला, इसके अंदर जो सेकंड मियोटिक डिवीजन होता है ना उसको शुरू करके रोक दिया जाता है, कहां तक, मेटाफेज सेकंड में, मेटाफेज सेकंड में रोक दिया जाता है। क्लियर। क्यों रोक दिया जाता है, क्योंकि मेटाफेज सेकंड में वो क्या करता है, फर्टिलाइजेशन की वेट करता है, अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो ओवम बन जाता है। क्लियर। तो मतलब यहां पर जो मियोटिक डिवीजन होते हैं वो इंटरप्टेड होते हैं, वो क्या होते हैं, इंटरप्टेड होते हैं, क्या होते हैं, इंटरप्टेड होते हैं। क्लियर। तो ये था ओजेनेसिस। क्लियर, आपको बात समझ आई होगी, अगर आपको समझ आएगा तो बहुत बढ़िया बात है, वरना आप एक दो बार और देखें वीडियो को, आपको समझ आ जाएगा, एकदम इजी प्रोसेस है, इतनी हार्ड नहीं है, ठीक, हालांकि थोड़ी कंसेप्चुअल प्रोसेस है, आपको काफी ज्यादा अटेंशन देना पड़ेगा समझने के लिए। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको पढ़ेंगे,